मुर्शद दा दीदार वे बाहु लख करोड़ा हज्जा का बहुत शुक्र अल्लाह ताला ने एक बार फिर मौका अता फरमाया अपने मेंटोर, अपने शेख, अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद करीम ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब से मुलाकात का। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हूँ मैं मरकज़ी मुराकबा हॉल में और यहाँ की खूबसूरतियाँ, ताज़गियाँ, शादाबियाँ, खूबसूरत ठंडी मज़े की कराची की हवाएँ। लाहौर में बहुत शदीद लू वाली गर्मी छोड़ी थी और यहाँ पर दोपहर के 3 बजे के बाद मज़े की हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, सुकून आ जाता है। तो मैं इंतज़ार कर रही थी शाम होने का और फिर थोड़ी सी वीडियो बनाऊं। और मेरे पीछे है आस्ताना जहां पर अल्लाह के दोस्त हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अज़ीम बरखिया रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के साथ दोस्ती करने में अपना जो बेशुमार वक्त और ताकत लगाई और अल्लाह के मुकर्रब दोस्त ठहरे। यह आस्ताना शरीफ है, यहाँ पर हम भी जाते हैं, यहाँ कुछ देर बैठते हैं और अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं और अपने दिल की जो मुरादें हैं अल्लाह के सामने रखते हैं। और यहाँ आने वालों का ईमान है कि यहाँ पर हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के अनवारात मौजूद हैं तो दुआ में तसीर भी होती है। घंटा 1000 cc थी मेरी गाड़ी से हाफ पावर में, उसका फ्यूल लगा था 29,000। अच्छा ये देखिए पाकिस्तान से। सर आप उस्ताद मोहतरम हैं, आपकी कार रायता भी रखो साथ, हम खुद करेंगे आपका काम। कैसे आप सर, ठीक ठाक हैं? कमाल हो गया भी। कंपनी दिखा लो सर, ये यकीन करें पाकिस्तान में सुबह वाली भी अच्छी थी।